लड़की चिल्ला क्यों रही? कुछ नहीं कुंदन भैया, वो लड़की के मिजाज दुरुस्त करने के लिए जरा बिहारी को भेजा है। किसने कहा था बिहारी को भेजने के लिए? देखता नहीं क्या हाथ बना रखी इसने? मैं कहता हूँ तू चला जा यहाँ से। अरे छोड़ दे, छोड़ता के लिए नहीं छोड़ता। देखता नहीं दो दिन से भूखी लड़की। छुओ मेरा पैर। एक एहसान और करो मुझ पर, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मुझे इतना इससे बाहर निकालो जिस तरह भी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आओ मेरे साथ। तुम्हारे मामा ने अखबार में इश्तहार दिया है कि तुम्हें घर पहुंचा देने वाले को 2000 रुपए इनाम मिलेगा। घर पहुंचते ही मैं वो रुपया आपको दिलवा दूंगी। मैं बाहर इंतजार करूंगा, बैठ जाओ। और सुनो, अगर कोई चालाक की किया पुलिस को खबर दी तो। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। बैठ जाओ। कहाँ थी, किस हालत में थी? ये खानदान की इज्जत का मामला है, सोचना पड़ेगा कि लड़की को घर में रखा जाए या नहीं। मैंने अपनी इज्जत नहीं गवाई है मामा जी, मैं निर्दोष हूँ, यकीन कीजिए। चाहे जो मुझे लेकर आए उनसे पूछ लीजिए। कौन लेके आया है? क्या वो भी उन्हीं डाकुओं में से है? जी, लेकिन वो कोई शरीफ आदमी मालूम होते हैं, उन्हीं ने मुझे बचाया है। आप उन्हें इनाम का रुपया दे दीजिए। रुपया? 20,000 तो वो ऐसे ही ले गए हैं, फिर ऊपर से इनाम इकराम कैसा? किशन जा तो बेटा, पड़ोसियों के यहाँ से पुलिस वालों को खबर कर दे, मैं तब तक उनको बातों में बैठा रखता हूँ। अच्छा, बेईमानी मत कीजिए मामा जी, मैंने उनसे कहा था कि पुलिस को खबर नहीं होने पाएगी। कहा था तो क्या हुआ, जा दौड़ जा जल्दी से। अच्छा। आइए आइए, बड़ा एहसान है आपका, आपने हमारी इज्जत बचा ली। रुपए कहाँ है? रुपया? अजी रुपए की कौन बड़ी बात है, आइए अंदर आइए, मैं अभी दिए देता हूँ। कहाँ भेजा उस लड़के को? लड़का? कौन लड़का? मुझे अंदाजा समझ रखा है, तुमने पुलिस में खबर दी है। नहीं बेईमान कमीने।